नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो इंडिगो एयरलाइन जॉब्स में जो फ्रॉड अभी हो रहा है उसके ऊपर था। अगर आप एयरलाइन जॉब सर्च कर रहे हो, स्पेसिफिकली इंडिगो सर्च कर रहे हो, इंडिगो में क्या हो रहा है कि आजकल जो है कुछ फ्रॉड लोग जो है जॉब के नाम पे जो है फ्रॉड कर रहे हैं और पैसे लूट ले रहे हैं। तो अगर आप इस पे जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, ऊपर आई बटन दिया है उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। आज का जो वीडियो है वो थ्रेट कॉल के ऊपर है और ऑल्टिस इन्फोटेक नाम की कंपनी के ऊपर है कि वो फेक है कि नहीं। और मेरे ही एक यूज़र या सब्सक्राइबर कह सकते हैं, उन्होंने उनका एक कॉल रिकॉर्ड है, तो उस कॉल रिकॉर्ड में जो है उन्होंने बात किया उनके साथ और जब सच्चाई जब उन्होंने बताया अपना, तो सारा जो सच है सारा सच सामने निकल के आ गया। इसी के ऊपर है ये थ्रेट कॉल। तो आगे थ्रेट कॉल सुनेंगे, बारी बारी से मैं समझाता रहूंगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहले थ्रेट कॉल स्टार्ट करते हैं, थ्रेट कॉल सुनते हैं। सुनिए, जिस बिहेवियर से आप बात कर रहे हो ना, तो उस बिहेवियर से तो मुझे यही लग रहा है कि आप फ्रॉड हो। आपको जो सोचना है सोचिए, जो लग रहा है लगने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केस करो, आपसे आपके एंड से जो होगा वो कर लीजिए, हम भी आगे केस लेंगे, हमारे पास सारे प्रूफ है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। नहीं बट CIN नंबर तो आप दे सकते हो। अगर CIN नंबर आप नहीं दे सकते, सुनिए, अगर आप CIN नंबर नहीं दे सकते तो फिर आपकी कंपनी किस नाम की कंपनी है? अगर आप किसी को जो समझना है समझिए, जो लगने दीजिए लगने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बता रहे ना हम आपको। फिर वो वर्क तो मैं आपके साथ नहीं करूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, वर्क तो मैं आपके साथ नहीं करूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये भी मैं आपको बता दूं। वो तो आपको आगे पता चलेगा, अभी नहीं, आगे पता चलेगा सर। तो नहीं, क्या करोगे तुम मेरे को ये बताओ, फिर क्या करोगे? क्या तुम क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं बताना भाई तू क्या करेगा, अब मैं सीधे से उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे सर। बोल भाई, बोल। आप बात, आप बहुत बड़े महान आदमी हो, हम क्या कर लेंगे आपका, हम छोटे मोटे इंसान आपका क्या कर लेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बोलो भाई, तू करेगा क्या? कैसे बोलने की, तू CIN नंबर तो तू दे नहीं पा रहा है, तो तू आगे कुछ कर भी नहीं सकता। और तुम लोग खुद पुलिस से भाग रहे हो, तुम लोग खुद इस दुनिया से भाग रहे हो, तो तुमको एक अन्य से मिल क्या जाता है? ठीक है ठीक है, तुमको एक अन्य से मिल क्या जाता है? ओके ओके भाई, पहले मेरे को एक बात बता, तू किस स्टेट से बिलोंग करता है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बोला ना। क्या नाम है? नाम क्या है? आदित्य रॉय, आदित्य रॉय। ये नाम भी तेरा फर्जी है, और बोल। हाँ, ये नाम भी तेरा फर्जी है जो तू बोल रहा है। मैंने तो पहले से आपको एंड यही बोला, आपको जो सोचना है सोचिए, जो लगने दीजिए लगने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो तो मेरे को तुम्हारी पॉलिसी पता है और तुम क्या करोगे ये भी पता है। आपने कर, ओके, नो इशू नो इशू। ठीक है, आपके जो सीनियर से मेरी बात हुई थी ना, उनका तो नंबर ही बंद है। ठीक है, हेलो, ठीक है, हो गया आपका? अभी मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूं? नहीं, तो पहले आप मुझे बता दीजिए ना, अगर आप फ्रॉड नहीं है तो आप CIN नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये तो RTI का एक्ट है मेरे पास। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, RTI का एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मैं पूछ सकता हूँ अगर मैं किसी चीज को वेरीफाई करने साथ बात करी रही छो। एम ने आपना कॉल ने होल्ड पर रखियो छे, कृपया करीने लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आप, हेलो, आप जे व्यक्ति साथे बात करी रहिया छो एमने आपना कॉल ने होल्ड पर राख्यो छे, कृपया करीने लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बनी रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
अच्छा, इस पोर्शन में जो है जैसे कि कॉल होल्ड हो जाता है, दो बारी कॉल होल्ड भी होता है, तो पहले जब होल्ड हो गया फिर से जो है जो बात कर रहे थे जो रिप्रेजेंटेटिव वही बात करते हैं आके, और जो हमारे जो कैंडिडेट है वो एक ही चीज पे अरे हुए रहती है कि कंपनी है तो उनका CIN नंबर बताया जाए, तो इस पे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव जो रहता है। ऑब्वियसली सबको सब कुछ पता नहीं रहता है इनके साइड से, क्योंकि फ्रॉड है तो थोड़ा सा जो है लेवल को बढ़ाते हैं ये लोग। और एक बात जो गौर करने वाली है कि यहाँ जो है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव तो बात करते रहते हैं, वो कहते हैं कि वो औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, मगर जब कॉल होल्ड पे जाता है तब आप ध्यान से सुनिएगा, रिवाइंड करके सुन भी लीजिएगा फिर से, कि जो कॉल का लैंग्वेज है वो गुजराती में है और गुजरात का सीम है मतलब, तो यहाँ पे और एक फ्रॉड और एक जो है घपला है। तो आगे सुनते हैं होल्ड के बाद कौन आते हैं उसके बाद बात करने के लिए। हेलो, बोला। हेलो, हाँ जी सर, आपकी कंपनी का CIN नंबर मुझे शेयर कीजिए। सर आप सबसे CIN नंबर पूछ रहे हो, पर आपको इतना पता नहीं है कि सर फ्रीलांसिंग कंपनी रजिस्टर नहीं होती है, तो उसका CIN। अच्छा ऐसा है, फ्रीलांसिंग कंपनी रजिस्टर नहीं होती है, एक बात बोलूं। फ्रीलांसिंग कंपनी, सुनी है आप मेरी बात, ऑल ओवर इंडिया में फ्रीलांसिंग कंपनी जितनी भी है आप गूगल में भी जाके सर्च कर लीजिए, उसका CIN नंबर नहीं होता है, कंपनी रजिस्टर नहीं होती। वो कंपनी क्या करती है, दूसरे के यहाँ से प्रोजेक्ट लेती है और क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। सुनिए, कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट का मैं आपको नाम बताता हूँ, fever.com, peopleperhour.com, ये जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है नंबर मुझे बताओ ना एक बार। वो खुद भी CIN नंबर रजिस्टर करते हैं, उनका भी मैंने वेरीफाई किया, एक बात याद रखना, जितने भी फ्रीलांसिंग बता दीजिए ना सर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, क्योंकि फ्रीलांसिंग कंपनी ऑल ओवर इंडिया में उसका CIN नंबर होता ही नहीं है, रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। अरे भाई मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई सुन, मेरी बात सुन ले पहले। क्या होता है कि किसी भी टाइप की कंपनी हो, वो चाहे फ्रीलांसिंग हो चाहे IT हो, हर कंपनी का जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, उसके बिना आप फ्रीलांसिंग कंपनी का होता नहीं है। वो मत सीखा, सुनो सुन, मेरे को ये मत सीखा कि कंपनी का नाम रजिस्टर नहीं होता, और अगर नहीं होता होगा ना तो मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बात कर लूंगा। सर हाँ जी, बात कर लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, वो भी आपको ही बोलेंगे। पहली बात तो जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स या कंपनीज है सभी का जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्टर होता है, ठीक है, और उसके बाद जो आपने मेरे को एग्रीमेंट भेजा, ठीक है, उसको मैंने चेक किया, तो उस स्टैम्प पेपर के नाम पे भी उस डेट पे कोई स्टैम्प पेपर इशू नहीं है, ये भी बता दूं। सॉरी क्या बोल रहे हो? जो आपने मेरे को एग्रीमेंट भेजा है ना सर, वो भी मैंने चेक कर लिया पूरा, उस वो एग्रीमेंट कहीं पर इशू ही नहीं हुआ है 19 जून की डेट में। अच्छा, वो तो कोई भी बना सकता है ना आजकल, ये कितने एग्रीमेंट थे बोलो, अरे बोल कितने एग्रीमेंट थे, मैं देखो बना के दूंगा, ये तो बॉर्डर पे मैं आराम से बात करो। हाँ वो मेरे को पता है ना, तुम अनप्रोफेशनली बात कर रहे हो इसलिए वो अलग ही समझ आ जाता है, जो प्रोफेशनली बात करता है ना वो अलग ही समझ आता है, जो अनप्रोफेशनली बात करता है ना वो अलग ही समझ आता है। ऐसे कितने एग्रीमेंट थे आपको क्या चाहिए सर? मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा हूँ, कंपनी से आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सबसे वही बोल रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कंपनी ऑल ओवर इंडिया में रजिस्टर होती नहीं है, तो उनका CIN नंबर होता ही नहीं है सर। सर हर कंपनी रजिस्टर होती है, एक बात याद रखना, हर कंपनी रजिस्टर होती है, नहीं होती। आप जाके गूगल में अभी सर्च कर लीजिए, अगर चाहे तो मेरा कॉल होल्ड पे रख सकते हैं आप। होती है भाई, हर कंपनी रजिस्टर होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्या गूगल में सर्च कर लीजिए। इवन जो इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग वेबसाइट है उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ तो मुझे उसका एक बार स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा भाई, बाद में बात करते हैं। भाई सुन देख, अगर तू मेरे को CIN नंबर नहीं दे रहा है तो मैं अगले की इन्फॉर्मेशन क्यों लीक करूंगा, क्योंकि हर चीज का एक आपको बोल रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कंपनियां रजिस्टर नहीं होती है, तो ये बात आपको आपकी समझ में नहीं आ रही है सर। ऐसा है मेरे भाई सुन, क्या है कि मैं सारी चीजें जानता हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट बन रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन तुमने एग्रीमेंट भेजा था ना मुझे, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम फ्रॉड लोगो, और अगर मैं तुमसे बात भी करूँ तो साथ ही बात करी रहा छो, एम ने अपना कॉल ने होल्ड पर राख्यो छे, कृपया करीने लाइन पर रहो, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है,
कृपया लाइन पर बने रहें। तो इस बारी क्या होता है कि जो नए एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, थोड़ा और ज्यादा फ्रॉड के बारे में जिन्हें पता है, थोड़ा और फंसा सके, वैसे लोग कॉल ले लेते हैं और बताते रहते हैं कि ये जो कंपनी है फ्रीलांसिंग कंपनी, इनका सीआईएन नंबर का जरूरत नहीं होता। तो उस पे जो है कैंडिडेट कहते हैं कि फाइबर अपवर्क जैसे जो कंपनीज हैं उनके भी सीआईएन नंबर होते हैं, मगर हाँ यहाँ पे एक बात है कि फाइबर और अपवर्क के जो भी पकड़ लीजिए जितने फ्रीलांसिंग वेबसाइट है इनके हेडक्वार्टर्स के पूरे डिटेल्स भी दिए हुए रहते हैं और हर कंट्री वाइज पे जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी रहती है, उनका भी पूरा पॉलिसी जो है दिया हुआ है किस तरीके से वो रजिस्टर्ड है। तो फाइबर या अपवर्क ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। तो अगर पकड़ लीजिए आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हो, पकड़ लीजिए मैं अगर एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हूँ और मैं कंपनी नहीं बना रहा, तो मैं इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, यही फाइबर अपवर्क से काम ले रहा हूँ, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर इस तरीके के रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इंडिविजुअली काम करूंगा और पैसे लूंगा, ऑब्वियसली बड़ा अमाउंट रहेगा, तो मैं टैक्स अमाउंट पे जब आ जाऊंगा मेरा टैक्स काट लिया जाएगा और नॉर्मली मेरा जिंदगी चलते रहेगा। और अगर मैं कंपनी बनाता हूँ तो क्या हो जाता है कि कंपनी बनाते ही आपको जो है रजिस्टर करना पड़ता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तक जो है आपका रजिस्टर्ड नंबर पहुंचता है और आपको एक सीआईएन नंबर दिया जाता है, ट्रेड लाइसेंस नंबर रहता है, नोटरी सर्टिफिकेट रहता है, बहुत कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मैं पकड़ूं, तो टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है वो भी कंसल्टेंसी, वो बाहर के जो है प्रोसेसेस, बाहर के काम को ही लेके आती है। बाहर के काम इन द सेंस बैंक ऑफ अमेरिका के काम लेते हैं, एनपावर एक कंपनी है इंग्लैंड की, उससे काम लेते हैं, कुछ इस तरीके से वो लोग काम लेते हैं। अब बैंक ऑफ अमेरिका से इंश्योरेंस पेपर वेरिफिकेशन के काम भी लेते हैं, तो अब जो है वो ये काम यहाँ लेके आ रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं वो कंपनीज टाटा कंसल्टेंसी को। अब क्या है, टाटा कंसल्टेंसी जो है, टाटा टीसीएस जो है वो एक कंपनी है, वो एम्प्लॉयज के द्वारा ये काम करवाती है, तो ऑब्वियसली टीसीएस जब ये काम करवाएगी तो उसे जो है रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो इसे भी अगर आप एक फ्रीलांसिंग मॉड्यूल ही कह सकते हो, तो फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में भी जो है आपको रजिस्टर करना पड़ता है, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने गलत बताया। तो आगे बढ़ते हैं, अब फिर से जो है नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। हेलो, हाँ जी सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव विशाल गुप्ता बात कर रहा हूँ। भाई कितने लोगों की टीम है तुम्हारी, पहले तो ये बताओ, मेरे से अलग अलग पर्सन बात कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम है तुम्हारी? सर क्या हुआ, कितने लोगों की टीम है तुम्हारी पहले तुम मुझे ये बताओ, क्योंकि अलग अलग पर्सन मेरे से होल्ड पे बात कर रहा है, ये भी बता दूंगे। मेरे पास कॉल ट्रांसफर हुआ है सर आपका। सर मुझे आपकी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, पहले तो मुझे आप ये चीज प्रोवाइड कीजिए। एक्चुअली इससे पहले भी मेरे आपसे बात हुई थी, आपने क्या बोला था कि मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ ना, तो वो तो मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता है कि मैंने इस, वो तो मैं, मुझे पता है ना मैंने किया था कॉल, बट मुझे सीआईएन नंबर चाहिए ना। मतलब आपने बोला था ना कि मैं साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई जब तुम्हारे पास ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास जब किसने हक दिया है, आपको किसने हक दिया है कि साइबर क्राइम बोल के बात करने का, किसी का फेक आइडेंटिटी लेके बात करने का आपको किसने हक दिया है? तो भाई तुम्हें किसने हक दिया है कि किसी को फेक एग्रीमेंट भेजने का, तुम्हें किसने ये राइट दिया है? आपको अगर फेक लग रहा है तो वर्क मत करिए ना सर, छोड़ दीजिए ना, मैं आपको कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, मैं आपका आईडी कैंसिल करवा देता हूँ, जैसे वर्क मत कीजिए, आपको कौन पोस्ट कर रहा है, लेकिन आपको किसने हक दिया साइबर क्राइम का फेक आइडेंटिटी लेके बात करने का? तो भाई सुन मेरे भाई सुन, देख सुनो, प्रॉपरली बात करिए। नहीं वो मेरे को पता है कि तुम बहुत प्रोफेशनली बात कर रहे हो, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ना तो तुम्हारा कोई रिकॉर्ड है, ऑनलाइन ना तो तुम्हारा कोई रिकॉर्ड है, और ना ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड तुम्हारा कोई रिकॉर्ड है, ठीक है? और जो तुमने मुझे जो तुमने मेरे को एग्रीमेंट भी भेजा था ना, सुनिए, जो तुमने मेरे को कॉन्टेक्ट भेजा था ना वो भी फेक था। आपको सर मत करिए ना वर्क, मैं आपको कहा मना आपको फोर्स कर रहा हूँ, कंपनी आपको कहा फोर्स कर रही है कि आपको वर्क करना ही है, मत करिए वर्क, मैं आपका आईडी कैंसिल करवा देता हूँ इधर से, कोई इशू नहीं है सर उसमें। फेक आइडेंटिटी लेके कॉल क्यों कर रहे हो? इसके ऊपर आपने भी तो मेरे को फेक एग्रीमेंट भेजा है
हाँ तो सर आपको फेक लग रहा है तो मत वर्क करिए ना सर। मैं कंपनी आपको फोर्स करिए वर्क करने का, नहीं आपको वर्क करना ही पड़ेगा। कंपनी ने फोर्स किया आपको, किया है सर? कोई अमाउंट आपके पास से कोई डिमांड किया गया आपको? मेरे को पता है ना, अरे भाई मुझे तुम लोगों की सारी पॉलिसी पता है। अभी मुझे पता है, मैं अगर वर्क करके भी ये दूंगा तो तुम यही बोलोगे कि एक्यूरेसी 90% नहीं है आपको 4,990 पे। तो सर मैं आपको ट्रस्ट नहीं था तो नहीं लेना चाहिए ना वर्क, क्यों लिया फिर आपने वर्क? आपको ट्रस्ट नहीं था तो नहीं वर्क लेना चाहिए था। इस अगर ले भी लिया आपने तो कोई इशू नहीं है सर, मैं आपका आईडी कैंसिल करवा देता हूँ, इधर से कोई इशू ही नहीं होगा आपको। ओके सर, बट ये फेक आइडेंटिटी लेके कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है सर, इसके ऊपर आपके ऊपर कंप्लेंट हो सकता है सर। मैं आपको एज ए मतलब वेल विशर आपको बता रहा हूँ सर, फेक आइडेंटिटी किसी की यूज नहीं की जाती सर। और आप यूज क्या कर रहे हो? साइबर क्राइम। आपको पता है सर साइबर क्राइम फेक क्या? भाई मुझे तुझे अच्छे से ज्यादा अच्छे से पता है। तो फिर सर साइबर क्राइम ब्रांच मतलब आपको पता है उसका, आप फेक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ये सारे कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपका जो कॉल रिकॉर्ड हुआ था पहले, आपने साइबर क्राइम से बात कर रहा होकर आपने ये नंबर से कॉल किया था, उसके भी आपसे कंपनी आपके ऊपर कंप्लेन कर सकती है। तो सर क्यों आप ये सब रिस्क ले रहे हो खाली खाली फेक आइडेंटिटी लेके कॉल कर रहे हो? तो भाई तुम मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन सुनो भाई सुनो, अरे मेरी भाई मेरी बात तो सुन लो पहले। तुम मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन दे दो, क्योंकि एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि चाहे फ्रीलांसर कंपनी हो चाहे ऑन रजिस्टर्ड कंपनी हो, और कंपनी का एक CIN नंबर होता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग कंपनी भी अपना CIN नंबर रजिस्टर करती है, वो उसके बिना आप कहीं पर काम नहीं डाल सकते हो, गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल लेने होते हैं। और अगर आप CIN नंबर नहीं दे रहे हो तो ये आप खुद फॉल्ट में हो ना। यस सर, कोई इशू नहीं है, अगर आप फॉल्ट में है तो आपको कोई लगता है तो कोई कंप्लेंट करना है कंप्लेन कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है, कंपनी रिजोल्व कर लेंगे। और कंपनी आपके ऊपर कंप्लेन करेगी तो आप रिजोल्व करने नहीं जा पाओगे सर, क्योंकि आपने फेक आइडेंटिटी यूज करके कॉल किया हुआ है, दैट्स नॉट राइट सर। भाई इंग्लिश मेरे सामने मत झाड़, देख मेरे सामने इंग्लिश मत झाड़, मैं चलते को वर्क भी करके दे दूं। करिए प्रॉपरली काम बात करने तो करिए, नहीं तो मैं आपको कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा, मैं आपका आईडी कैंसिल करवा देता हूँ इधर से, कोई इशू नहीं है आपको, आपको ना ही कॉल आएगा कंपनी के पास से, ना ही आप कॉल करिए कंपनी को। ओके हाँ ठीक है भाई, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। लेकिन कॉल मत करिए। ओके सर, मैं आपका आईडी कैंसिल करवा दे रहा हूँ इधर से, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल करके मैं आपको कैंसिलेशन का एक मेल करवा दूंगा मैं इधर से। बट सर फेक आइडेंटिटी लेके कॉल मत करिए और कंपनी का टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमको और भी कॉल अटेंड करने रहते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम। ओके। तो अभी आपने देखा कि एक ही कॉल में तीन लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं, और तीसरे बारी जब आपको आपने देखा कि जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है इस बारी जो है वो थोड़ा बहुत जो है डर चुका था, जो कंपनी के लुटेरे हैं वो थोड़ा डर गए, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो एकदम स्पष्ट जो है अपना बात रख रहे थे कि ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होगा, सब कुछ सच्चाई सामने रख रहे थे, इसीलिए जो है वो थोड़ा डर गए। और उन्होंने कहा कि आपका नाम जो है वो कैंसिल कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर ये कैंडिडेट डर जाता तो वो क्या करते कि पेनल्टी चार्ज कर देते। तो यहाँ क्या है कि उसके बाद वो बात को थोड़ा घुमा रहे थे कि आपने क्यों साइबर क्राइम कहा अपने आप को, और आपने क्यों साइबर क्राइम का नाम लेके आइडेंटिफिकेशन फेक करके हमें कॉल किया। फेक करके कॉल करने से ज़्यादा बड़ा जुर्म जो है वो है कि आप कोई काम किसी को दे रहे हो और वो काम करवा के या फिर नहीं करवा के आगे ही पैसे हड़प ले रहे हो, या बाद में भी उसे थ्रेट करके पैसे हड़प रहे हो, जो ये फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज, टाइपिंग वर्क कंपनीज, कैप्चा टाइपिंग वर्क सब लोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहिएगा। इस वीडियो को मतलब इस ऑडियो को आप तक पहुंचाने का यही कारण था कि आपको जो है पूरा चीज़ पता रहे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सच्चाई आपको पता रहे, इसीलिए आपको बताना था। हमेशा सतर्क रहे, जब भी कोई कंपनी आपसे बात करे तो आप डायरेक्ट पूछ ले कि वो कंसल्टेंसी है कि डायरेक्ट कंपनी है, और ऑब्वियसली कंसल्टेंसी होगी या फिर फ्रॉड होगी तो पैसे मांगेगी आपसे। आगे पैसे मांगने की बात स्टार्ट कर दे कोई तो डायरेक्टली कॉल को ऑफ कर दे, आगे बात ना करें, क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंपनी जो होगी वो डायरेक्टली जो है आपसे पैसे नहीं लेगी। तो ये बात आप जरूर याद रखें, और आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप जरूर मुझे कमेंट करें इस वीडियो में, और मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे फेसबुक पेज के थ्रू भी आप
कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थोड़ा सा लेट हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी बीच में, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तो आप कमेंट कर सकते हो। ये रहा डिटेल्स, आप डिटेल्स देख लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको ऐसे जो है डेटा एंट्री के बारे में या फिर कोई भी फ्रॉड जॉब्स के बारे में जो है उचित जानकारी मिलते रहे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए किशोर की तरफ से टाटा।